अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग करने लगे हैं हमारा अगला यूनिट स्टार्ट विच इज अबाउट ब्रेस्ट सर्जरीज करेंगे हम। और उसमें सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दैट हम थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से बना होता है स्ट्रक्चर विद द डायग्राम। ओके, सारी पुरानी बातें, दिस इज जस्ट अ रिविजन कि हमारे पास जो ब्रेस्ट का टिश्यू है वो आपके इंटीरियर चेस्ट वॉल पे लगा हुआ होता है। फैटी टिश्यू होता है मेनली, लेकिन उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमा और सब कुछ बना हुआ होता है। ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक इसका स्ट्रोमा होता है जो आसपास पड़ा हुआ सारा कनेक्टिव और फैटी टिश्यू है, और दूसरा इसका डक्ट लोबुलर यूनिट होता है जिसमें आपके लोब्यूल्स और डक्ट्स होती हैं। ठीक है, लोब्यूल्स हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन जिसमें होगी जब टाइम आता है, एंड डक्ट्स हैं जो किसी भी चीज को ट्रांसफर करके निपल तक लेके आएंगी। ये रेस्ट कहां पर करी, आपके जो चेस्ट वॉल है उसमें आगे पेक्टोरलिस मेजर और माइनर मसल आपको नजर आ रहा है। पहले ये पीछे वाला पेक्ट माइनर है, ये वाला पेक्ट मेजर मसल है। इनके ऊपर आपका टिश्यू पड़ा हुआ ब्रेस्ट का, और ये पीछे की तरफ आपको जो नजर आ रहा है दिस इज योर मेमोरी, इसको हम कहते हैं पूरा एक लोबुलर यूनिट। मैं आपको दूसरी डायग्राम में लोबुलर यूनिट होते हैं, इसमें मल्टीपल लोब्यूल्स और डक्ट्स होती हैं। ये सारी डक्ट्स मिलके फिर आपकी आगे बड़ी डक्ट्स बनती हैं और ये सारी आगे निपल और निपल में ड्रेन करती हैं। ठीक है, ओके, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास उन्होंने फोकस किया हुआ है इस एक पूरे लोब्यूल को। ये आपका जो पूरा लोब्यूल होता है जिसमें आपके मल्टीपल छोटे छोटे से जिस तरह आपके एल्वुलाई होते हैं ना, उस तरह के इनको भी एल्वुलाई कहते हैं जो आपके पैक्स से होते हैं। इन सबको लाइन किया हुआ है लोबुलर सेल्स ने, विच इज सिंपल जो आपका एपिथीलियल सेल्स होते हैं, और इनके इर्द गिर्द जो है वो मायो एपिथीलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी लाइनिंग इज विद सिंपल एपिथीलियम जो आपका सिंपल स्क्विमस एपिथीलियम होता है, एंड आउटसाइड इनके मायो एपिथीलियल सेल्स होते हैं। मायो एपिथीलियल सेल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके अंदर जो भी सिक्रीशंस होती हैं वो आगे डक्ट्स में जाती हैं। नॉर्मल हालात में जब एक जो यंग फीमेल की ब्रेस्ट होती है उसके अंदर ये सिर्फ वॉटरी सी प्रोडक्शन करते हैं, वॉटरी फ्लूइड प्रोड्यूस होता है इस लोब्यूल में। ये पूरी एक लोब्यूल है, ठीक है, इन्हें लेबल किया हुआ ये पूरा एक लोब्यूल है। इस लोब्यूल में वॉटरी फ्लूइड प्रोड्यूस होता है जो आपके डक्ट्स में जाता है, और वो जब तक टर्मिनल डक्ट तक पहुंचता है तब तक वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आगे जो है वो निपल से कुछ एक्सक्रीट नहीं होता। और उस कंडीशन में आपकी जब इन नॉन प्रेग्नेंट ब्रेस्ट जो होती हैं उसमें आपके पास ये जो निपल के करीब वाली डक्ट्स होती हैं ये वैसे भी केराटिन से ब्लॉक्ड होती हैं। ठीक है, इनको हम मिल्क डक्ट्स कहते हैं, और ये तब खुलती हैं जब आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन की एक्सेसिव रिलीज होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये आपकी यहां पर से केराटिन जो वो सारी खत्म हो जाती है और फिर मिल्क जो यहां से क्रिएट हो रहा होता है वो इधर आके भर जाता है। इस तरह से इसकी प्रोडक्शन होती है। बहरहाल जो एनाटॉमी वो ये कि आपके पास जो इसका मेन फंक्शनल यूनिट है वो ये आपका लोब्यूल है जिसके पास एल्वुलाई है और डक्ट्स है। इसकी लाइनिंग एपिथीलियल और मायोएपिथीलियल सेल्स से, और आगे डक्ट्स की भी लाइनिंग इसी तरह से है कि एपिथीलियम से उनकी लाइनिंग और मायोएपिथीलियल सेल्स उनके गिर पड़े हुए हैं, और सारा का सारा जा रहा है टुवर्ड्स निपल। अच्छा, अब हमारे पास कुछ, आपको पता है कि इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज ब्रेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्सिनोमा ब्रेस्ट का बहुत जरूरी होता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले लिम्फ नोड्स जिनमें ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज जाती है वो होते हैं आपके पेक्टोरलिस माइनर से रिलेटेड एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि उनकी क्या क्या लोकेशन है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है तो हमारे पास जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है ना वो 5 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। नॉर्मली हम उसको आर्म पिट में फील करते हैं, बगल में फील करते हैं, एक्जिला में, लेकिन उनकी लोकेशन और भी जगहों पे होती है। ठीक है, तो हमारे पास 3 नोड्स है पेक माइनर मसल से रिलेशन में, आपने उनको याद रखना है। जो लेवल 1 नोड्स है ये आपका पेक्टोरलिस माइनर मसल है। लेवल 1 नोड्स आर लैटरल टू पेक्टोरलिस माइनर, देखिए पेक्टोरलिस माइनर से लैटरली है। लेवल 2 नोड्स जो है वो आपके पेक माइनर के पीछे होते हैं, ये इसके पीछे है, आगे नहीं है। और लेवल 3 नोड्स हैं वो इससे मीडियली होते हैं यहाँ पर जो पड़े हुए हैं। तो इन सब में से जो ये लेवल 1 नोड्स हैं जो आपके एक्जिला में लोकेटेड हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेस्ट के सबसे ज्यादा करीब है। ब्रेस्ट कैंसर कभी भी जब आपका आता है जब वो उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, मतलब जो उसका सेंटिनल लिम्फ नोड होता है जिधर वो सबसे पहले जाते हैं वो आपके एक्जिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, आपने ये लाजमी चेक करने हैं। और लेवल 1 और 2 में चलो चले भी जाए, लेवल 3 में जब चला जाता है इसका मतलब होता है एडवांस डिजीज है। और कुछ फिर आपके ये इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स है, इसमें लेट में मतलब लेटली कैंसर जो है वो यहां पर जाता है। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट की एनाटॉमी के बाद उसके आगे के, हमने जो डिजीजेस पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये कि ब्रेस्ट की कोई भी डिजीज होती है, कोई भी लीजन के साथ पेशेंट आते हैं तो हम उसको किस तरह से वो करते हैं, उसका डायग्नोसिस किस तरह से बनाते हैं, मतलब उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करनी है। अच्छा, एनाटॉमी में बाकी सारी बातें तो आपको पता ही है कि जाहिर है ये टिश्यू आपका एक तरफ क्लेविकल से एक्सटेंड कर रही होती है, ब्रेस्ट नीचे आपकी अपर एब्डोमिनल वॉल पे आके खत्म होती है, मतलब स्किन के साथ इसकी कूपर लिगामेंट से अटैचमेंट है, ये सारी बातें पुरानी एनाटॉमी की है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए जितनी जरूरी थी वो मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास अलग से क्वेश्चन आता होता है कि हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट अ ब्रेस्ट डिजीज। ठीक है, इसमें आपसे सिर्फ इतना पूछ लेते हैं, मतलब ये नहीं कि ये सारी चीजें आपको हर डिजीज की इन्वेस्टिगेशन में तो लिखनी है ना, तो इनमें से जो जरूरत होंगी, उसके अलावा अलग से आपको क्वेश्चन भी आता है व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन फॉर ब्रेस्ट डिजीज, तो आपने याद रखना है कि ये आपने सारी लिखनी है।
हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा ब्रेस्ट डिजीज हैं जो फेमिलियल होती हैं, जिनमें आपका हिस्ट्री से आपको पता चलता है कि रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल आपका जो ईस्ट्रोजन थेरेपी है, आपके पास प्रेगनेंसी का ना होना या लैक्टेशन का ना होना इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कार्सिनोमा. उसके साथ आपके पास आ जाता है फेमिलियल BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन होती हैं, तो बहुत ज्यादा चीजें आपको हिस्ट्री पे रूल आउट करनी होती है. ठीक है, तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेस्ट डिजीज. एंड देन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आप जब आप एग्जामिन करते हैं, आप निप्पल को एग्जामिन करते हैं, आप ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हैं, आपको साफ साफ पता चल जाता है अगर कोई मैस हो, कोई बड़ा मैस होगा, पैल्पेबल मैस होगा, तो वो बड़े आराम से आपको मिल जाता है. रिट्रैक्शन नजर आ जाती है अगर निप्पल रिट्रैक्टेड है, क्रैक्ड है, उसका कलर कैसा है, क्योंकि प्यूडी ऑरेंज अपेयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट हो जाती है कार्सिनोमा में, आपको पता है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपकी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. देन उसके बाद आपके पास आपको पता है कि ब्रेस्ट के लिए एक बड़ी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो कि है मेमोग्राफी. ये इसका कोई ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक होती है और इससे बहुत कुछ हमें पता चल जाता है. ये एक समझ लें कि एक्सरे तरह, जिस तरह से मैंने ब्रेस्ट का एक्सरे हमने कर लिया, ठीक है, इसका फायदा ये होता है कि ये बहुत लो कॉस्ट है, स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी ना मेजर सा अगर कोई लंप होगा वो इसमें शो हो जाएगा, अगर कोई कैल्सिफिकेशन होगी तो वो इसमें शो हो जाती है. ठीक है, तो ये लंप को जो आपको पैल्पेट नहीं हो सक रहा, मतलब अगर कोई छोटा लंप है और अगर कोई कैल्सिफिकेशन है ब्रेस्ट के अंदर, कैल्सिफिकेशन हो जाती है जब आपके पास अंदर कोई डिजीज प्रोसेस की वजह से इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही होती है, वो आपको मेमोग्राफी में नजर आता है. यानी यू कैन गेट एन आइडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है. मेमोग्राफी का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, मतलब इसका हमें ज्यादा फायदा नहीं होता डेंस ब्रेस्ट में. डेंस ब्रेस्ट होती है यंग फीमेल्स जो आपकी 35 से कम की होती हैं, उनमें आपके पास ब्रेस्ट का टिश्यू बहुत ज्यादा डेंस होता है. 35 से ज्यादा की एज जब हो जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता लेस डेंस होता है. 35 से कम में मेमोग्राफी आपकी अच्छा डिटेक्ट नहीं कर पाती और उसमें रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलते, इस वजह से हम 35 से ज्यादा की फीमेल्स में करना इसे प्रेफर करते हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास अल्ट्रासाउंड है. अल्ट्रासाउंड आपको पता है हमेशा आपकी सॉलिड और सिस्टिक मैसेज में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है. मैस नजर आ जाती है अगर होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें आपने वो ये लिखना है कि आपके एक तो सॉलिड और सिस्टिक में डिफरेंस आ जाता है और दूसरा आपकी जो यंग फीमेल्स है जिनकी 35 ईयर से कम एज है उनमें डेंस ब्रेस्ट होने की वजह से हमें मेमोग्राफी का फायदा नहीं होता, लेकिन अल्ट्रासाउंड हमें काफी अच्छे रिजल्ट दे देती है. अच्छा, MRI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और आपसे अलग से क्वेश्चन आता होता है आपके पास कि व्हाट इज द रोल ऑफ MRI इन डायग्नोसिस ऑफ ब्रेस्ट डिजीजेस, क्योंकि यहां पर हमने सीटी स्कैन कहीं नहीं लिखा कि सीटी स्कैन का इतना रोल नहीं होता, लेकिन MRI का होता है. कि हमने पढ़ा था कि सीटी स्कैन बोनी टिश्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से हमें बताता है, मतलब बाकी भी बताता है लेकिन बोनी टिश्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और MRI का सॉफ्ट टिश्यूज में बड़ा रोल है. ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का, तो इसलिए इसका ब्रेस्ट में बड़ा रोल है. अच्छा, MRI में आपने लिखना होती है बातें सारी की सारी, कि एक तो ये कि आपको MRI जब आप सॉफ्ट टिश्यू की इतनी डिटेल बता देते हैं कि आपको पता चल जाता है कि क्या हमारे पास, अगर एक पेशेंट को पहले कार्सिनोमा था और उसको हमने उसकी वो की है, उसका वो कार्सिनोमा या कोई छोटा मैस था जिसको हमने रिमूव किया है और अब दोबारा से वो पेशेंट हमारे साथ प्रेजेंट किया है, तो MRI पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें पता चल सकता है कि क्या ये स्कार टिश्यू पुराने वाले ही उस चीज का है, मतलब जो हमने पहले सर्जरी की थी या पहले कुछ हुआ था उसी का फाइब्रोसिस वगैरह हुआ है, या ये बाकायदा कार्सिनोमा दोबारा से बनने लग गया. ठीक है, तो आपकी सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपको समझ आ जाती है कि इधर इट इज न्यूली ग्रोइंग सेल्स या फिर ये पुराने फाइब्रोटिक सेल्स हैं, एक तो ये पता चल जाता है. उसके साथ साथ हमें बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस आती है उनमें जो कि आपकी हाई रिस्क फीमेल्स हैं और उन्हें आप स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि हाई रिस्क फीमेल्स में हमें मेमोग्राफी पे शक में नहीं हम रह सकते. फॉर एग्जाम्पल, किसी की मदर है, किसी लड़की की मदर को BRCA1 की म्यूटेशन थी और वो कार्सिनोमा था, इसका मतलब है शी इज वेरी हाई रिस्क के उसको भी होगी, तो उसमें हम मेमोग्राफी पे खाली रिलाई नहीं करते, हम MRI कराते हैं. ठीक है, तो हाई रिस्क फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा वो फीमेल्स जिनके ब्रेस्ट में कोई इम्प्लांट लगा हुआ हो, इम्प्लांट जिनमें लगा हुआ होता है कोई, आपने किसी किस्म का लगाया हुआ, तो आप वो वाली इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते जिनमें आपका कोई ऐसी रेडिएशन हो जो इम्प्लांट को डैमेज करें या फिर वो इम्प्लांट के साथ आगे चार्ज हो रही हो, तो इस वजह से आपने उसमें MRI बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. फिर MRI हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए है कि ये हमारी कार्सिनोमा की एक्सटेंट हमें बता देगी सॉफ्ट टिश्यू में. अगर आपके पेशेंट को DCI है, रेक्टल कार्सिनोमा इन सीटू है या लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू है और वो डायग्नोस हो चुका है, उसके बाद उसकी एक्सटेंट पता चलना कि कितना एक्सटेंसिव है, क्या ये इन सीटू ही है या क्या ये मेटास्टेसाइज करे, MRI कैसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं. ठीक है, बुक में भी लिखे हुए. देन कम्स द बायोप्सी. बायोप्सी या FNAC यानी फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी आप तब कराते हैं जब आपके कोई सिस्टिक लीजन होती है, बायोप्सी हम तब कहते हैं जब हमारे पास कोई सॉलिड मैस होती है. ठीक है, अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. बायोप्सी की भी हमारे पास टाइप्स होती है, एक होती है ट्रू कट बायोप्सी जिसको कोर बायोप्सी भी कहते हैं, और एक होती है हमारे पास इंसिजनल बायोप्सी. ठीक है, अच्छा, ट्रू कट बायोप्सी बहुत ज्यादा की जाती है ब्रेस्ट में. अगर आपके पास ज्यादातर आपकी फीमेल्स जो आती होती है ना वो सॉलिड मैस होती है, क्योंकि कार्सिनोमा अक्सर औकात सॉलिड मैस बना रहा होता है, तो उसमें हम ट्रू कट बायोप्सी करते हैं. उसका एक इतनी लंबी सी नीडल होती है और वो इस तरह से बनी हुई होती है कि वो जब हम अंदर लेके जाते हैं ना वो पूरा ब्रेस्ट के टिश्यू के अंदर तक जाती है और अंदर
अगर ये मेरे पास पूरी सपोज ब्रेस्ट है, ये निपल है, तो वो आपकी नीडल यहाँ अंदर तक जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल थिकनेस टिश्यू वो है, वो जो है वो निकालेगी। एक सिंपल बायोप्सी में तो ये होगा ना कि मैं यहाँ से टिश्यू ले लूँ, यहाँ से ले लूँ, उसका फायदा नहीं हो सकता, कैंसर इधर पड़ा हो। तो ट्रू कट बायोप्सी का मतलब ये होता है कि इधर से लेकर इधर तक फुल लेंथ ऑफ द टिश्यू इसके अंदर आते हैं और उसको फिर आप हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको कन्फर्म हो जाता है कि व्हाट इज इट गोइंग ऑन। तो ट्रू कट बायोप्सी हर सॉलिड मास में, कैंसर में, आपके डायग्नोसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एफएनएसी का रोल आपकी सिस्टिक या वो मैसेज में आते हैं जो बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होती। अब हमारे पास अगली चीज जो ये आपकी होती है सारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ ब्रेस्ट डिजीज, और उसमें हमारे पास आता होता है आपके पास अलग से एक और क्वेश्चन कि व्हाट इज अ ट्रिपल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और आपने हर डिजीज के आंसर में भी ट्रिपल असेसमेंट लिखना होता है जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन। ट्रिपल असेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट में तीन चीजें आती है यही सारी। उसका पहला होता है हमारे पास हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ठीक है, पहला होता है हमारा ट्रिपल असेसमेंट में आपका ये वाला क्लिनिकल असेसमेंट आ जाती है हिस्ट्री एग्जामिनेशन। दूसरा होता है आपकी रेडियोलॉजिकल असेसमेंट जिसमें आपका आ जाता है मेमोग्राफी एंड अल्ट्रासाउंड। और तीसरा आता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसमें आ जाता है बायोप्सी एंड एफएनएसी। ठीक है, तो आपके पास ये ट्रिपल असेसमेंट में तीन फीचर्स होते हैं। आपने किसी भी ब्रेस्ट डिजीज में अगर आपको मतलब रूल आउट करने के लिए आप ट्रिपल असेसमेंट कराते हैं तो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है कि हमने तीनों चीजें करा ली हैं और फिर हमने ब्रेस्ट डिजीज डायग्नोस किया। तो ट्रिपल असेसमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपके एससीक्यू के क्वेश्चन है। आपकी जो पहली डिजीज आती होती है बहुत सिंपल सी, वो आती है निपल रिट्रैक्शन। आपको पूछ रहे थे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ निपल रिट्रैक्शन, फीमेल प्रेजेंटेड टू यू विद अ रिट्रैक्टेड निपल, और बताएं कि कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है एंड हाउ विल यू मैनेज इट। तो आपकी जो दो तरह से हो सकती है, सिंपल निपल रिट्रैक्शन का मतलब है कि अक्सर आपकी सिंपली मतलब थोड़ा सा निपल अंदर चला जाता है जो प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में ठीक भी हो जाता है, विच इज पेनलेस, जिससे कोई मसला नहीं हो रहा होता, ठीक है, जिसके साथ और कोई फीचर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक रिट्रैक्टेड निपल के साथ फीमेल आएगी तो आपने वही बात है कि उसकी ट्रिपल असेसमेंट करनी है, अपने रिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेनी है और आपने एग्जाम सही से करना है, मेमोग्राफी अल्ट्रासाउंड करना, ताकि आपको पता चले कि वाकई कोई डिजीज तो नहीं है। पैथोलॉजिकल जो निपल रिट्रैक्शन है वो होती है आपकी, एक तो हो सकती है अंदर कोई डिजीज चल रही होती है, मोस्ट प्रोबेबली डक्ट इक्टेजिया। डक्ट इक्टेजिया एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी और बड़ी कॉमन सी डिजीज है जिसमें होता है कि आपके जो डक्ट्स है ना अंदर, जो मैंने भी आपको दिखाई थी ब्रेस्ट के अंदर, वो एक तो उनका डायमीटर बड़ा होता जाता है और उनकी वॉल की थिकनिंग होती जाती है, ठीक है, किसी भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस से एकदम से शुरू हो जाते हैं। वॉल की थिकनिंग क्या करती है कि एक तो उनमें सिक्रीशंस बन जो रही है उसका रास्ता तंग कर देती है और मजीद ऐसा ऐसा करते करते किसी एक जगह से आके ब्लॉकेज कर देती है। जब ब्लॉकेज करती है तो वो सारा फ्लूइड अंदर उनके कलेक्ट होता रह रहा होता है, वो फ्लूइड आखिरकार आके फट के जब निकलता है बाहर तो वो आपका निपल डिस्चार्ज होता है। लेकिन जब वो नहीं निकलता, जब वो अंदर सब सारा भरा जा रहा होता है, तो उस वक्त वो आपके निपल को अंदर की तरफ खींच के रिट्रैक्ट कर लेता है, उसको निपल रिट्रैक्शन कहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो पैथोलॉजिकल। लेकिन उसमें एक फर्क ही होता है कि वो आपकी अगर ये निपल है और ये एरियोला है तो वो स्लिट लाइक रिट्रैक्शन होगी, यानी एक एरिया से थोड़ा सा निपल, सपोज ये निपल है आपका तो थोड़ा सा एक एरिया से रिट्रैक्टेड होता है स्लिट लाइक। जब पूरा निपल अंदर की तरफ रिट्रैक्ट होता है तो उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल रिट्रैक्शन, और वो आपके अंडरलाइन कार्सिनोमा की निशानी है। कभी भी कोई पेशेंट अगर आपके पास सर्कमफ्रेंशियल यानी पूरे निपल रिट्रैक्शन के साथ आएगी तो आपने उसको कभी भी पूरी ट्रिपल असेसमेंट किए बगैर नहीं भेजना, क्योंकि इट इज अ साइन ऑफ कार्सिनोमा। और अगर वो अभी अभी हुआ है, रिसेंट हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है वो पैथोलॉजिकल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट की मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिपेंड करता है कि क्या किस लिए निपल रिट्रैक्ट हुआ है। कभी कभार सिर्फ और सिर्फ आप मैकेनिकली सक्शन करते हैं, मतलब आप उसको बाहर से खींचते हैं और वो बाहर आ जाता है, इसका मतलब होता है वैसे ही हो गया था। लेकिन अगर वो नहीं बाहर आ रहा आपके असेसमेंट पे, आपको लग रहा है कोई और मसला है, तो इसका मतलब कार्सिनोमा है। बाकी अगले पार्ट में कहते हैं किसी को कोई मसला हुआ है कि ना। थैंक यू।